सांसद राकेश सिंह ने महाकौशल कॉलेज में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों को उन्होंने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने का संकल्प दिलाया। सांसद श्री सिंह ने यहां बनाए गए केंद्र पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए युवाओं से चर्चा भी की और उनका उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। कितने बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। योग केवल एक क्रिया या विधि भर नहीं है बल्कि एक ये विचार है, एक ऐसा विचार जो प्राचीन काल से भारतीयों के बीच में न केवल उन्हें सुरक्षित रोग रहित रखता आया है बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज और देश ये एक सूत्र में बंधे रहे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया ने भारतीय योग को अपनाया। इसके साथ साथ एक वैश्विक महामारी से हम गुजरे हैं, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है और अब ये भी स्पष्ट हो गया है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने ये मान लिया है कि कोरोना से अगर हमें लड़कर जीतना है तो उसके लिए सबसे प्रमुख और बड़ा हथियार हमारे पास केवल और केवल वैक्सीन है। और इसलिए वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन लगाएं, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और पूरे देश में लगभग यही मानस है। आगे बढ़कर हम सब इस सोच को सफल बनाएं। प्रारंभ में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हुई थी और उसमें काफ़ी हद तक भ्रांति फैलाने वाले सफल भी हुए, लेकिन जिन्होंने भ्रांतियाँ फैलाई उन्होंने बाद में सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही वैक्सीन लगवाई। इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन लगाने से नुकसान नहीं है, केवल और केवल फायदा है। प्रारंभिक रूप से कई बार कुछ हल्का फुल्का बुखार या सर्दी खांसी आती है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हम देखते आए हैं, बरसों से देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी में से कुछ लोगों को इस तरह का स्वाभाविक रूप से हल्का फुल्का बुखार या ऐसी कोई प्रतिक्रिया होती है, वो इसलिए होती है कि शरीर के भीतर प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है। तो उसको हम इस रूप में ना लें कि वैक्सीन से दूर जाएं, बल्कि वैक्सीन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सबकी जान की रक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय है। आज जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 81,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शाम तक ये पूरा हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि न केवल स्वयं वैक्सीन लगवाएंगे बल्कि अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में सभी लोगों को वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित रखेंगे। वैसे भी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्रीगण, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, इन सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। सभी डॉक्टर्स ने जो आगे बढ़कर इस वैश्विक महामारी में अपनी जान खतरे में डालकर सेवा का कार्य कर रहे थे, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। इसका मतलब साफ है कि ये वैक्सीन नुकसान के लिए नहीं है बल्कि लोगों के फायदे के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।